गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैथ गुरु लर्निंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का मैथ चैप्टर 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 का। जैसे कि सवाल नंबर 1 में बताया जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको साबित करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि √5 अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन आपको यह साबित करके बताना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह का जब भी सवाल रहेगा तो आपको सबसे पहले इसके विपरीत मान के चलना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें लिखते हैं कि मान लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले आपको यह मानना है जहां ए और बी सह अभाज्य है, सह अभाज्य संख्या है, यानी √5 इक्वल टू ए बटे बी। अब हम लोग इसके क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का अगर वर्ग करेंगे तो क्या होगा, इसमें भी स्क्वायर और इसमें भी स्क्वायर। तो √5 का वर्ग स्क्वायर हो जाएगा 5 और a का स्क्वायर हो जाएगा बटे b का स्क्वायर। तो 5 को b स्क्वायर में पढ़ेंगे तो 5 b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो b स्क्वायर को अगर हम लोग लिख देते हैं तो a स्क्वायर बटे 5, यानी कहने का अर्थ क्या हुआ, अर्थात a स्क्वायर का a गुणनखंड 5 है, तो a का भी एक गुणनखंड 5 होगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए सह अभाज्य का मतलब क्या होता है कि जिसका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होगा, लेकिन यहां पर साफ बता रहा है कि ए स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, ए का भी एक गुणनखंड 5 है। अब हम लोग जो है इसी पर ऊपर में जैसे किए और एक वैल्यू को हम लोग ले लेंगे a इक्वल टू, माना a इक्वल टू 5c है, जहां c कोई पूर्णांक है। तो c कोई पूर्णांक है, यानी आपको यहां पर हम लिख सकते हैं √5 इक्वल टू a बाय बी। अब दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, लेकिन यहां पर एक काम और आपको करना है, √5 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है, हम लोग रखे हैं 5c बाय बी। अब यहां पर हम लोग कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का अगर हम लोग वर्ग करते हैं तो क्या आता है, तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 5c स्क्वायर 25c स्क्वायर हो जाएगा बटे b का स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसको ले लेते हैं तो 25c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। तो अगर हम लोग b स्क्वायर को रख लेते हैं या c स्क्वायर को रख लेते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 5b स्क्वायर बटे 25 यहां पर आ सकता है। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा तो आप लोग इस तरह लिख सकते हैं 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर बटे 5। तो 5 बचे 25 हो गया, तो b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, यानी b स्क्वायर के लिए भी 5 एक गुणनखंड है और b के लिए भी एक गुणनखंड 5 है। तो लिख सकते हैं b स्क्वायर का एक
गुणनखंड पांच है तो बी का भी एक गुणनखंड पांच होगा। यह हो गया। अर्थात हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए और बी दोनों जो सहभाज्य है दोनों में ही एक के अतिरिक्त एक गुणनखंड है, मौजूद है, जैसे कि पांच हो गया। तो ये कहना विरोधाभास है, तो हम लोग यहां लिख देंगे अर्थात ये कहना गलत है। तो रूट पांच एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सहभाज्य संख्या एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता है, लेकिन यहां पर एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड आ रहा है, जिससे साफ साबित हो जाता है कि रूट पांच जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या बिल्कुल भी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये मैथ अच्छा से समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है। जय हिंद।